चलो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने वेक्टर प्रोडक्ट डिस्कस किया था, उसके एप्लीकेशन डिस्कस किया था, और अभी विवेक पूछ रहा है कि सर अगर कोई ट्रायंगल है ना, तो ये डिस्कस किया था कि अगर सपोज ये ट्रायंगल ऐसा है और इसका एरिया निकालना है, ठीक है, तो या तो तुम्हें दिया रहेगा कि एसी वेक्टर दिया रहेगा और एबी वेक्टर दिया हो, कोई दो साइड्स का वेक्टर दिया हुआ। सो हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, हाफ ए सी क्रॉस ए बी। बहुत बढ़िया, हाफ ऑफ कोई भी ले लो, ए सी क्रॉस ए बी या ए बी क्रॉस ए सी, और उसका क्या कर दोगे, मैग्नीट्यूड। अब हो सकता है सवाल ऐसे दिया रहेगा कि ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ एक्स वन वाई वन जेड वन ऐसे दिया हुआ, बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है एक्स टू वाई टू जेड टू ऐसा दिया हुआ है, एंड सी का भी एक्स थ्री वाई थ्री जेड थ्री। अब पूछा जाए कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल, तो तुम्हें OA लिखने आता है बच्चों, तुम्हें OB लिखने आता है ना। सो AB लिखना क्या, कैसे करेंगे AB? मैंने बताया था OB माइनस OA, इनिशियल माइनस फाइनल माइनस इनिशियल। बहुत ही बढ़िया, फाइनल माइनस इनिशियल है ना, ये वेक्टर निकल जाएगा ऐसे। सिमिलरली सी दिया हुआ है, ए और सी दिया हुआ, तो AC निकाल लो या BC निकाल लो, तो हम लोग ऐसे कर लेंगे। इज इट क्लियर? तो विवेक अभी भी कोई डाउट है क्या? आवाज क्लियर? नो सर, आवाज पहुंच रही क्लियरली? यस सर, यस सर। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, तो हम लोग आगे स्टार्ट बढ़ाएं सिलेबस। अच्छा, तुम लोगों को ट्यूटोरियल 2 दिया था या 3 भी दे दिया है? 2 सर, 2 दिया है। ट्यूटोरियल 2 हुआ कंप्लीट? यस यस सर, यस सर। ठीक है, ट्यूटोरियल 2 एंड देन आज 3 भेज दूंगा, है ना, तो मेरा वेक्टर फिनिश हो जाएगा बच्चों, और काइनेमेटिक्स तो तुम्हारा स्टार्ट हो ही गया है, ठीक है? यस सर, ओके बच्चों। सर हाँ बोलो सर, एक डाउट था, हमने देखा था कि वो हम कंपोनेंट वेक्टर फाइंड करते थे सर किसी वेक्टर के अलोंग, तो वो तो एक आपने बताया था टू फाइंड कंपोनेंट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी, तो उसमें कैलकुलेशन के लिए वो हमने लिखा था वेक्टर बी डॉट प्रोडक्ट यूनिट वेक्टर ए इनटू इन ब्रैकेट इनटू ब्रैकेट यूनिट वेक्टर ए लिखा था सर, लेकिन आपने वहाँ एक क्वेश्चन भी दिया था सर सॉल्व करने के लिए, फिर उसमें हमने अलग फॉर्मूला यूज किया था थोड़ा। मैं बताता हूँ क्या था, देखो सपोज एक वेक्टर है ए इधर, है ना, और एक वेक्टर है बी। सो क्या किया हमने, कहा था बी का कंपोनेंट ए के अलोंग, ओके, कंपोनेंट नाम देता हूं ओ ए बी एस ए। बच्चों ओ एम को ही बोलेंगे, ओ एम को क्या बोलेंगे, कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए वेक्टर, है ना। तो ये हो जाता है स्मॉल बी इंटू कॉस थीटा होता है, ठीक है, कॉस थीटा। और ये वेक्टर से अगर लिखेंगे बच्चों बी वेक्टर डॉट ए कैप, कैप कह दिया था, आई बात समझ में, ठीक है, जिस वेक्टर का कंपोनेंट वो वेक्टर जिस डायरेक्शन में डॉट ए कैप, तो ये याद रह जाता है। अदरवाइज ये होता कैसे, ए कैप लिखोगे तो क्या लिखोगे, बी डॉट ए डिवाइड बाई ए का मैग्नीट्यूड। तो आयुष बताना, हमने एग्जैक्टली जब करते हैं तो बी दिया हुआ है ए दिया हुआ है, तो ए कैप निकालने के लिए मैं ऐसे ही करूंगा, ये वाला यूज करूंगा, तो फॉर्मूला लिखते समय
तो ये लिख देता हूँ, बाद में निकालते हैं तो ऐसे ही निकालेंगे. इज इट क्लियर? यस सर. अब उसके बाद एक और चीज बात किया था, बट देखना. अब अगर कोई कहेगा कि मुझे ओएम वेक्टर चाहिए, ओएम वेक्टर चाहिए, तो ओएम वेक्टर क्या हो जाएगा? ओएम मैग्नीट्यूड इनटू ए कैप. ओएम मैग्नीट्यूड क्या है? बी डॉट ए कैप. ओएम हो गया टाइम्स ए कैप. अब यहां पे कौन सा मल्टीप्लीकेशन है? मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय स्केलर क्वांटिटी, स्केलर मल्टीप्लीकेशन. जैसे 2a लिखते हैं ना, वैसे देखो यहाँ पे कोई डॉट क्रॉस नहीं दिया है. तो आयुष, हमने यहाँ पे किया था ऐसे जब कैलकुलेशंस कर रहे थे, चूंकि a वेक्टर दिया होता है तो इसको ऐसे कर दिया, a कैप का a बाय मैग्नीट्यूड, और यहाँ भी a कैप का a बाय मैग्नीट्यूड, तो a स्क्वायर लिख दिया था और टाइम्स a लिख दिया था. आई बात समझ में? तो ये फॉर्मूला ध्यान में रखने के लिए याद रह जाएगा. इस फॉर्मेट में लिखो कैलकुलेशन में, चूंकि बी और ए दिया रहता है इसलिए ऐसे लिख दिया था. काम तो यही करना. यस सर. मैं सिंपल सा है आयुष, और ये वहां भी बताया है, यू शुड अंडरस्टैंड. आगे बढ़ते हैं. अच्छा बच्चों, इस बैच के सारे मतलब स्ट्रेंथ फिक्स कर लिया, इसी बैच में रहना है जितने बच्चे भी हैं. आप कल मतलब तीसरा वाला बता रहे थे टू फाइंड टॉर्क ऑफ अ फोर्स, वो बीच में फिर आपने बोला कि कल करेंगे. टॉर्क नहीं बताया था क्या? नहीं सर, टॉर्क ठीक है यार, क्वेश्चंस कर लोगे, उसमें कुछ है नहीं, उसमें कुछ नहीं है, कर लोगे तुम. चलो मैं फिर से बता दूंगा, बट चलो अभी स्टार्ट किया तो ये कर लेते हैं. ऐसे इधर लिख देता हूँ. टॉर्क का मतलब कुछ नहीं, टॉर्क इज डिफाइंड एज, ऐसे दिया रहेगा, दिस इज एप्लीकेशन. एक फोर्स होता है एफ, किसी पॉइंट पे लग रहा होता है, उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होता है आर, तो आर क्रॉस एफ को बोलते हैं टॉर्क, और टाउ ऐसे देते हैं, टाउ ऐसे लिखते हैं बच्चों, आर क्रॉस एफ. बस इतना लिख लो अगर जिसने नहीं लिखा है तो. एक पॉइंट पे सपोज एक फोर्स ऐसे लग रहा है एफ, इस पर्टिकुलर पॉइंट का ओरिजिन ओ से इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है आर. इसको दूसरे कलर से ड्रॉ कर लेता हूं, आर. टॉर्क ऑफ एफ अबाउट ओरिजिन इज ओपी, पी पॉइंट पे फोर्स लग रहा है, ओपी क्रॉस एफ. इज इट क्लियर? अब देखो ये मान लो कोई पॉइंट है इधर, ये सपोज कोई बी पॉइंट है ना, कहेगा टॉर्क ऑफ द फोर्स अबाउट पॉइंट बी, तो क्या करोगे? बहुत सिंपल, बी से इस पॉइंट का पोजिशन वेक्टर लिख लो. ये सपोज आर टू वेक्टर है, अबाउट बी क्या हो जाएगा? टॉर्क ऑफ फोर्स एफ अबाउट पॉइंट पी. कैन यू गेस टॉर्क अबाउट बी कैसे लिखेंगे बच्चों? आर टू इंटू एफ. यस, बीपी मतलब बी का पॉइंट दिया होगा, पी का पॉइंट दिया होगा, जो भी जैसे भी है इंफॉर्मेशन दिया रहेगा. यस सर. तो ये चीज हम लोग 12th में, सॉरी 11th में हम लोग पढ़ेंगे. रोटेशंस करके एक चैप्टर है, उसमें बहुत बड़ा चैप्टर है ये, वी विल डिस्कस देयर. तो ये डेफिनेशंस मैंने लिख दिया है, बट अगर कोई सवाल पूछता है यहाँ भी वेक्टर में भी, तो ही मस्ट डिफाइन दिस कि ऐसा होता है, तुम्हें बताएगा, बिकॉज बच्चों से एक्सपेक्टेड नहीं है.
ठीक है, तो इसमें करना क्या, हमें सिर्फ ये चेक करना है कि तुम्हें आर और एफ निकालने आता, आर क्रॉस एफ निकालने आता है कि नहीं, ठीक है ना बच्चों। अब बच्चों चलो आते हैं कोप्लेनरिटी ऑफ वेक्टर्स। दो वेक्टर्स अगर कोई लिया ना, एक सपोज एक वेक्टर ए ले लिया और एक वेक्टर बी ले लिया बच्चों, तो ए और बी मिलकर के एक प्लेन बनाया है ना। अब तीसरा जो वेक्टर है बच्चों, हो सकता है तीसरा वेक्टर इसी के प्लेन में, अभी जैसे मैंने ड्रॉ किया सपोज ए बी के प्लेन में ही है, तो कहेंगे कि ऑल द थ्री वेक्टर्स आर कोप्लेनर इफ इन सेम प्लेन। आ रही बात समझ में? तो इसको मैं थोड़ा सा वीडियो पे करता हूं, चूंकि इस पे लिख करके बताना थोड़ा मुश्किल है, तो मैं समझाता हूँ कोप्लेनरिटी ऑफ वेक्टर। कोशिश करना, ये ऑफलाइन में सर्टेनली ज्यादा समझ में आएगा बच्चों। ये एक वेक्टर ए, एक वेक्टर बी और बच्चों सी वेक्टर, देखो ऐसा है, सी वेक्टर देखना, ये पेन देखना मेरा, ये सपोज सी वेक्टर है, क्या ए बी और सी वेक्टर को प्लेनर है क्या? अभी देखो, अभी अभी को प्लेनर है, अभी अभी परपेंडिकुलर है, अभी परपेंडिकुलर है, अभी परपेंडिकुलर टू प्लेन। हाँ नहीं नहीं, हाँ ए और बी जो है वो एक प्लेन में है, बोर्ड का प्लेन, और ये देखो कैसा है, परपेंडिकुलर अभी है, अभी देखो परपेंडिकुलर है, अभी तो कोई भी एंगल जनरल ले लिया और अभी प्लेन में आ गया, डिफरेंस समझ में आ रहा है? प्लेन है। बच्चों अगर अभी बोलूं कि देखो ए और बी, ए सॉरी बी और सी एक प्लेन बना रहे, देखो ये बुक का प्लेन है, देखो अगर ये मान लो ऐसा है तो बी और सी वेक्टर ये प्लेन है अभी, है ना, ऐसा ए और सी कुछ ऐसा प्लेन होता, तो ये ऐसा है तो कोप्लेनर नहीं है, ऐसा है तो कोप्लेनर है, इज इट क्लियर? यस सर, यस सर, ओके बच्चों। अच्छा बच्चों बताना मुझे, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी कैसा वेक्टर होगा, कौन सा डायरेक्शन होगा, इधर सर पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है ना, अपवर्ड पॉजिटिव। तो अभी थोड़ा सा मैंने समझा दिया, मैं बोर्ड पे समझा रहा हूँ सर। हाँ सर, मतलब कोप्लेनरिटी सिर्फ पर्सपेक्टिव पे डिपेंडेंट होगा ना, दो वेक्टर्स मिलके एक प्लेन बनाता है, तीसरा वेक्टर उस प्लेन में हो सकता है, उस प्लेन में नहीं हो सकता है, बी और सी में अगर प्लेन बनाएगा, दो से ज्यादा अगर वेक्टर्स होंगे तो वो पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करेगा ना कि वो कौन सा कोप्लेनर कौन सा नहीं। हाँ मतलब कोई भी जैसे ए बी मिलकर के एक प्लेन बनाया और तीसरा वेक्टर कोई है अगर उसी के प्लेन में है, तो कहेंगे तीनों वेक्टर को प्लेनर है, अगर चार वेक्टर भी हो सकता है ना, जैसे अगर मान लो बोर्ड के प्लेन में ऐसे ऐसे, बोर्ड के प्लेन में ही ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं ना, तो ये सब को प्लेनर वेक्टर। एक थोड़ा सा ऐसे कर दिया, ऊपर कर दिया, ड्रॉइंग में तो नहीं पता चलेगा सर, को प्लेनर वेक्टर मींस उनका टेल एक ही जगह पर होना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, कोई जरूरी नहीं है कि टेल एक ही जगह पे हो, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, अभी समझ सकते हो कि ये x y एक प्लेन है, और मैं ड्रॉ तो कर रहा हूँ z एक्सिस बच्चों बोर्ड में ही, लेकिन एक्चुअली ये z एक्सिस ऐसा है क्या, पता है कैसा है, है ना? Yes, sir. तो सुनना बच्चों, x y कुछ ऐसा है, सपोज दिस इज x y प्लेन, है ना, अब देखो ये है तुम्हारा वाई जेड प्लेन और ये है तुम्हारा जेड एक्स, एक्स वाई, एक्स जेड प्लेन, थ्री प्लेन है बच्चों, है ना।
अब मैं कोशिश करता हूं ऐसे ही ड्रॉ करने का, जैसे एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, ये सब सपोज एक्स वाई प्लेन में है ना। अब एक और वेक्टर में ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं, सपोज ऐसा, ये सपोज किस प्लेन में है, वाई जेड प्लेन में। अब ये 3D में दिखा सकता था थोड़ा सा, ठीक है। ये एक वेक्टर सपोज मैं ड्रॉ कर रहा हूं ऐसा, ये किस प्लेन में ड्रॉ कर रहा हूं, एक्स जेड प्लेन में। ये वेक्टर, ये वेक्टर प्लेन को प्लेनर नहीं है, सॉरी। अब मान लो कि ये प्लेन है, एक वेक्टर है, एक वेक्टर सपोज और ऐसा है, ये भी सपोज एक्स जेड प्लेन में ही है, ये वाला वेक्टर, ये भी एक एक्स जेड प्लेन में। अब 2D में 3D ड्रॉ करना हमारे बस की बात नहीं है बच्चों, लेकिन कोशिश किया कि ये सपोज एक्स जेड प्लेन में ये दोनों वेक्टर है और ये वाई जेड प्लेन में है, तो ये तीनों वेक्टर एक प्लेन में नहीं है। लेकिन कोई अगर कोई कहेगा कि ये वेक्टर और ये वेक्टर मिलके एक प्लेन बना रहा है क्या, एक्स, यस, ये एक प्लेन बना रहा है और ये अलग प्लेन है। चलो बच्चों, तो मैं समझा रहा था ये, इसको भी मिटा रहा हूं। पर एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो 3D कैसे बनाएंगे, वो दिया रहेगा, वो एक्सप्रेशन में दिया रहेगा, समझ, एक्सप्रेशन में दिया रहेगा वो सारी चीजें, ठीक है। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर एक प्लेन बनाया, सी अगर उसी प्लेन में है बच्चों, तो मुझे बताना ए क्रॉस बी एक वेक्टर है और सी एक वेक्टर है, अगर सी को प्लेनर है विथ ए बी तो ये कितना होगा, क्या कोई बता सकता है? जीरो। क्या जीरो? जीरो। क्यों जीरो होगा? बिकॉज ए क्रॉस बी जो हो जाएगा बच्चों इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा, ऐसे डॉट दिया मतलब इसके परपेंडिकुलर हो गया, और सी और ए क्रॉस बी के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, और वो जीरो, 90 डिग्री, पाई बाय टू, इसलिए डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। और अगर सी इसी के प्लेन में नहीं है, ए बी के प्लेन में नहीं है, तो दोनों के बीच में एंगल 90 नहीं होगा, तो नॉन जीरो होगा। तो इफ इन सेम प्लेन देन ए क्रॉस बी डॉट सी इज इक्वल टू जीरो। सो ये बच्चों हो गया चेक करने का मेथड। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। ठीक है, तो लिख लो। हालांकि ये सब बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, ये सबका बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। बच्चों पे ऐसा सवाल रहेगा, बच्चों इसको कैसे करें ये सवाल को? सर इन जीरो
ए क्रॉस बी उनका डॉट प्रोडक्ट विच ए क्रॉस बी Yes, पहले ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं क्या होगा फटाफट निकालो कौन निकालता है पहले तो ए क्रॉस बी निकालने सिखा दिए है ना आई जे के बहुत टाइम नहीं लगेगा भूले भी नहीं होगे पहले ए टू वन 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 जीरो हो गया बच्चों आई कैप लिखेंगे साथ साथ मेरे साथ करो आई कैप क्या हो जाएगा वन इंटू जीरो जीरो तो माइनस वन माइनस जे कैप टू इंटू जीरो माइनस वन है ना बच्चों प्लस के कैप सॉरी जे कैप में कुछ गड़बड़ नहीं किया ना के कैप टू माइनस वन क्या गया बच्चों माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कुछ गड़बड़ किया क्या प्लस वन होना चाहिए ना आई कैप में जीरो माइनस वन यस सर जीरो माइनस ऑफ माइनस वन जीरो माइनस वन सही लिखा ना जीरो के कैप में क्या हो जाएगा के कैप में टू माइनस वन टू माइनस वन ठीक है हो गया बच्चों अब क्या करेंगे इफ कोप्लेनर देन सर क्रॉस बी डॉट सी दैट इज इक्वल टू जीरो दिस इंप्लाइज माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप और डॉट थ्री आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस एम के कैप को प्लेनर होना है तो जीरो ये कितना हो जाएगा माइनस थ्री प्लस टू प्लस एम दैट इज इक्वल टू क्या हो गया जीरो दैट मीन्स एम इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों वन हो गया वन क्या 100% में आया यस सर ठीक है यस सर हालांकि बच्चों अब कोई इसको ऐसा भी कर सकता है कि सर ऐसा कर सकते हैं क्या ए क्रॉस सी पहले निकालो और डॉट बी इजकल टू जीरो होगा क्या यस ऐसे भी होगा बट मैं चाहूंगा कि जिसमें अननोन है ना तो उसको छोड़कर इन दोनों को पहले क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लो इजिली निकल जाएगा और फिर डॉट प्रोडक्ट कर लो डॉट प्रोडक्ट थोड़ा आसान है तो ये वाला अननोन वाला टर्म को डॉट प्रोडक्ट में यूज करो सो बच्चों ये एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल समझ में आ गया क्लियर हिमांशु सेल के कुछ पूछना चाह रहे हो सर हमने वो जो मैट्रिक्स का मैट्रिक्स टेबल में मल्टीप्लिकेशन किया उसमें वो माइनस जे क्यों लिया बाद में कहाँ लिया माइनस जे यहाँ पे हाँ ये सर तो क्लास नहीं किया था क्या पहले आई यस सर मिस हो पहले आई कैप पहला प्लस लिया तो दूसरा माइनस फिर तीसरा प्लस ये ऑर्डर लिया था ना ओके सर समझ गया वो एक दो दिन मिस ही हो गया था तो लोग रिवाइज नहीं करते रिवाइज नहीं करोगे बच्चों तो गड़बड़ होगा ये सब तो एकदम आना चाहिए अच्छे से आना चाहिए इतना धीरे धीरे पढ़ाए हैं चलो बच्चों तो नेक्स्ट पेज पे आ गया तो हम लोग आगे बढ़ते हैं टर्म लेते हैं बच्चों डायरेक्शन कोसाइंस अब थोड़ा मिसलेनियस टाइप की चीजें पढ़ रहे हैं बच्चों है ना डायरेक्शन क्वेश्चंस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस यहां दिमाग लगाना है थोड़ा सा बच्चों मान लो एक वेक्टर है ओ पी ओपी एक वेक्टर है और ये एक्स वाई प्लेन में नहीं है नॉट नेसेसरली इन एक्स वाई प्लेन
ओपी एक्स वाई प्लेन में नहीं है, ऐसा एग्जांपल लेके मैं डिस्कस कर रहा हूं। ये एंगल है अल्फा और ये एंगल है बीटा। तो कोई बता सकता है कि अल्फा प्लस बीटा मैंने दे दिया है कि एक्स वाई प्लेन में नहीं है, तो वो इक्वल टू पाई बाय टू है 90. कि मोर देन पाई बाय टू है कि लेस देन मोर देन पाई बाय टू बता ही नहीं सकते क्योंकि वो डिटरमाइन ही नहीं किया है ना कि एक्स वाई प्लेन पे है या नहीं। मैंने बोला ना, कह दिया ना कि ओपी इज नॉट इन एक्स वाई प्लेन, मैं तो यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ। यस फिर पाई बाय टू से बड़ा है सर। बोर्ड पे हटाता हूँ, ये होता है ऑफलाइन और ऑनलाइन डिफरेंस। देखो सर आप तीन पेन से बना सकते हैं वो। हाँ देखो ना, मैं एक्स वाई अगर बच्चों देखो ये हमारा ये दिख रहा है, ये अगर सपोज ऐसे अभी क्या है एक्स वाई प्लेन में वेक्टर, तो ये एंगल अल्फा और ये एंगल बीटा, अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री। बट अगर ऐसे कर दिया बच्चों तो ये एंगल और ये एंगल दोनों का समेशन मोर देन 90 हो जाएगा। 90 मोर देन 90 हो जाएगा ना, मोर देन 90 हो जाएगा ना। यस सर, हो जाएगा। यस सर, ठीक है, थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, और जैसे अगर सपोज ऐसे 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 करते 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 ऐसे कर दिया बच्चों तो देखना ये हो जाएगा 90 और ये भी हो जाएगा 90, तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा 180 होगा, है ना, उससे ज्यादा दोनों का समेशन नहीं होगा। तो मोर देन, देखो तीन बच्चे निकल गए अभी तक, ओके बच्चों। तो अभी कोई भी एंगल, और बच्चों जेड एक्सिस से भी ये एंगल को लिख लिया गामा, कुछ ऐसा लिख लेता हूं। सो अल्फा क्या है बच्चों, व्हाट इज अल्फा, इसको ओपी वेक्टर को आर वेक्टर कर देता है ना, एंगल बिटवीन क्या है आर एंड एक्स एक्सिस। मान लो ये पी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है ना, कुछ ले लिया एक्स वन या एक्स एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, कुछ भी ऐसा है। ओके, तो ओपी वेक्टर क्या लिखेंगे बच्चों, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये हो गया। मुझे चाहिए अल्फा निकालना है, मुझे अल्फा निकालना है। कोई हिंट करेगा मुझे कि कैसे अल्फा निकालें? ओके सर, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालने तो आप कॉस लेंगे सर, कॉस कंसीडर करेंगे, कॉस वाला लेंगे, मतलब क्या डॉट प्रोडक्ट या कॉस क्रॉस प्रोडक्ट, कॉस क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस। दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना है तो क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट अटैक ने कितना प्यार से बताया, व्हेनेवर यू रिक्वायर्ड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स रिमेंबर डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट विल हेल्प यू। तो किस वेक्टर के बीच में एंगल निकालना है बच्चों, आर वेक्टर एंड एक्स एक्सिस में एक वेक्टर ले लेते हैं, बेस्ट वेक्टर क्या होगा, आई कैप, आई कैप, आर और आई कैप के बीच का एंगल अल्फा है बच्चों, तो कॉस अल्फा कितना हो जाएगा, आर डॉट आई कैप है ना बच्चों, डिवाइडेड बाई a dot b divided by a comma 2 dot b का तो 1,
याद आया कुछ? यस सर। दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना तो यही होता है। तो कर लेते हैं बच्चों, आर तो दिया हुआ है, आर है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये है आर। तो इतना डॉट आई कैप क्या होगा? एनीवन? एक्स एक्स होगा, बहुत बढ़िया, सिर्फ एक्स होगा। डिवाइड बाय आर का मैग्नीट्यूड कौन बताएगा? आर का मैग्नीट्यूड आदित्य महाले, रूट रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड। बहुत ही बढ़िया, तो ये बच्चों ने बता दिया। अब बच्चों मैं बोलता हूं कि मुझे ना बीटा चाहिए, बीटा क्या होगा? अब बीटा क्या है तो डायग्राम में दिखा दिया हूं बच्चों। व्हाट इज बीटा? एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड आर वेक्टर एंड वाई एक्सिस। वाई एक्सिस कैसे निकालेंगे कॉस बीटा बच्चों? एनीवन? तो वाई अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आर जी कैप, आर जी कैप आर का मैग्नीट्यूड, आर डॉट जे तो हो जाएगा वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अगर मैं पूछूं बच्चों गामा इज एंगल बिटवीन ओपी एंड एक्स एक्सिस, ओपी दैट मीन्स आर एंड जेड एक्सिस, तो कॉस गामा भी कोई बता सकता है क्या? डायरेक्टली लिखता हूं, देखते हैं तुम लोग ब्रिलियंट हो। जेड अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट। बहुत ही बढ़िया। अब बच्चों सवाल क्या था पता है? बड़ा फेमस सवाल है, कहेगा इफ अल्फा बीटा गामा आर एंगल बिटवीन आर वेक्टर, या फिर इफ अल्फा बीटा गामा आर एंगल मेड बाय आर वेक्टर विथ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली, तो इन दैट केस व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा का वैल्यू क्या होगा बच्चों? ऑप्शन एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपॉन रूट ऑफ वन। क्या बात है, सारे बच्चे देखे वन आ रहा है। यस सर, क्योंकि वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हाँ बच्चों ये बड़ा ना इम्पोर्टेंट सवाल है बच्चों। Is it clear to all? कोई भी एक वेक्टर है, yes, कोई भी एक वेक्टर है, yes. आर तो कैसा भी हो, अगर वो एक्स एक्सिस से अल्फा वाई एक्सिस से बीटा और जेड एक्सिस से गामा एंगल बना रहा है, तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा उसका वैल्यू फिक्स होगा। और बच्चों अगर कह दे, ये देखो हम लोग क्रॉस डॉट प्रोडक्ट ये सब यूज किया ना, अगर कह दे इफ आर इज मेकिंग एन एंगल अल्फा बीटा एंड गामा रेस्पेक्टिवली विथ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, देन देखते हैं कितने बच्चे दिमाग लगाते हैं, देन साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा क्या होगा? बच्चों यहां भी हमें डॉट प्रोडक्ट हेल्प करेगा या क्रॉस प्रोडक्ट लगाएं? क्रॉस प्रोडक्ट थॉट जीरो जीरो जीरो, इसी में से बच्चों बताना ए बी सी डी और ई में कर देता हूं नन ऑफ दिस। ए सर थोड़ा टाइम मिलेगा क्या? यस आई एम गिविंग यू वन टाइम। बहुत बढ़िया, किसी ने तो अभी कुछ बोला, किसी ने जीरो बोला, किसी ने वन बोला, किसी ने टू बोला,
नितिन शिवाले, क्या क्या आंसर आ रहा है तुम्हारा? सी सी आ रहा है, क्या बात है नितिन। एनीवन एल्स? हाँ सर, टू आर टू सर, टू ही आ रहा है सर, टू। बहुत ही बढ़िया बच्चों, देखना आप, देखना सवाल कैसे होते हैं, ये पूछ दिया, ये ट्विस्ट कर दिया, लेकिन हमने तुझे ये पढ़ाया तो यू शुड हैव कि हाँ ऐसा कुछ हमने पढ़ा है ना। अब कॉस स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर अल्फा पूछा है तो क्या करेंगे इसको, कॉस स्क्वायर अल्फा को लिख लेंगे वन माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, सिमिलरली कॉस स्क्वायर बीटा को वन माइनस कॉस स्क्वायर गामा को वन माइनस ये सबको साइन को इधर लेके चले जाओ, इधर जाएगा थ्री और ये वन गया तो थ्री माइनस वन हो जाएगा ये तो आंसर विल बी टू। तो बढ़िया से सवाल है बच्चों, ये किसी न किसी एग्जाम में तुम्हें आ जाएगा, रेजोनेंस कहीं किसी टेस्ट में आएंगे क्या सर, ये क्वेश्चंस? हाँ बोलो, फ्रैक्शंस में आ सकते हैं क्या, फ्रैक्शंस में आ सकते हैं क्या ऐसे, फ्रैक्शंस में आ सकते हैं क्या ऐसे क्वेश्चंस, फ्रैक्शन में मतलब सर, मतलब आंसर फ्रैक्शन में आ सकते हैं, ये टू आया ना इसका आंसर, फ्रैक्शन में आंसर नहीं सर, क्वेश्चंस मतलब आपने अभी ऐसे क्वेश्चन दिया ना तो क्वेश्चंस फ्रैक्शन में आ सकते हैं क्या, मैं मतलब cos स्क्वायर अल्फा अपॉन sin स्क्वायर गामा ऐसा कुछ पूछेगा, जो निकालना होगा ऐसा कुछ सेट होगा तो होगा, मैथमेटिक्स में बहुत पढ़ोगे डिटेल में, हमें उतना ज्यादा यहाँ नहीं पढ़ना। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, सवाल बना लेंगे सर। तो एक अच्छा सा सवाल हमने आज सीख लिया, कोप्लेनरिटी डिस्कस किया। अब बच्चों आ जाते हैं यहाँ पे कोलिनियर वेक्टर, ठीक, कोप्लेनरिटी बताया तो उसके बाद ही कोलिनियर बता देना चाहिए था, उसके बाद ये लेना था कोलिनियर वेक्टर। अब कोलिनियर वेक्टर याद कर सकते हैं बच्चों, पैरेलल और एंटी पैरेलल है ना, पैरेलल और एंटी पैरेलल। अब बच्चों बताना, एक वेक्टर ये है ए और दूसरा वेक्टर है बी, इज द टू वेक्टर्स आर कोलिनियर वेक्टर? नो सर, नो सर, नो सर, ए एंड बी आर नॉट कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब बच्चों एक ही लाइन में, मतलब एक ही डायरेक्शन में, ठीक है ना, या दो वेक्टर्स कोलिनियर है कि नहीं ऐसे पूछेगा, या थ्री पॉइंट्स पूछेगा, थ्री पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट, है ना, या तो टू वेक्टर्स, टू वेक्टर या थ्री पॉइंट्स। जैसे बच्चों अगर कहा जाए कि एक पॉइंट ये है, ये दूसरा पॉइंट और ये तीसरा पॉइंट है, तो ए और बी मिलकर के एक लाइन बनाया और बी और सी मिलके एक लाइन बनाया। अब ये बच्चों अलग लाइन है, ये अलग लाइन है, सेम लाइन नहीं है, तो कहेंगे ए बी सी आर नॉट कोलिनियर वेक्टर, नॉट कोलिनियर, थ्री पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। लेकिन बच्चों अगर मान लो एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है और एक पॉइंट सी है, तो क्या कहेंगे, ए बी सी आर कोलिनियर पॉइंट्स, कोलिनियर, कोलिनियर पॉइंट, ठीक है ना, ठीक। तो आइदर यहाँ पे सवाल रहेगा थ्री पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट, या टू वेक्टर्स आर कोलिनियर और नॉट, मतलब अगर वेक्टर्स की बात करें तो दोनों वेक्टर्स का डायरेक्शन पैरेलल है या एंटी पैरेलल रहेगा तो भी चलेगा। अब बच्चों अगर कोलिनियर है तो एक वेक्टर ऐसा है तो दूसरा वेक्टर
कुछ उसी डायरेक्शन में होगा। मान लो ये ए है और ये बी है, इफ बी इज पैरेलल टू ए तो बी इजकल टू क्या लिख सकते हैं बच्चों, सम लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर, एम आई राइट? यस सर, यस सर, क्योंकि डायरेक्शन तो सेम है तो बी का मैग्नीट्यूड ए के मैग्नीट्यूड से कुछ टाइम्स ज्यादा होगा, है ना। इफ लैम्डा इज पॉजिटिव तो पैरेलल होगा, पैरेलल होगा, और अगर लैम्डा नेगेटिव है तो क्या होगा, एंटी पैरेलल होगा। कैन यू रियलाइज दिस? यस सर, यस सर, है ना। तो बच्चों यहाँ पे कुछ कांस्टेंट होना चाहिए, तो b इक्वल टू समथिंग इनटू a के फॉर्मेट में अगर लिख लिया बच्चों तो कहेंगे कि दोनों वेक्टर्स क्या है, कोलिनियर वेक्टर है, है ना। तो अगर मैं कहूं बच्चों कि अगर एक वेक्टर a a इक्वल टू a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, बहुत सिंपल चाहिए, इफ लिख लेना बच्चों ये, देन बी इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ए, लैम्डा इज एनी कॉन्स्टेंट, दैट मीन्स ए वन सॉरी बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस b3 k cap इज इक्वल टू लैम्डा ए वन आई कैप प्लस लैम्डा ए टू जे कैप प्लस लैम्डा ए थ्री के कैप, ऐसा होगा बच्चों। और ऐसा हुआ, दो वेक्टर्स इक्वल है बच्चों, तो क्या कहेंगे, कहेंगे b1, ये दोनों वेक्टर इक्वल है तो जितना i का कोएफिशिएंट है उधर उतना ही i का कोएफिशिएंट इधर, और क्या कहेंगे, B2 equal B2 to lambda equal to some constant into A2. बच्चों ये सीखना, अगर एक वेक्टर्स एक वेक्टर इक्वेशंस एक दिया हुआ है तो उससे एक इक्वेशन वेक्टर है बट तीन इक्वेशंस मिल रहा है, एक दो तीन, अगर मैं इसको ना डिवाइड कर देता हूँ, B1 upon A1, B1 upon A1 is equal to B2 upon A2 is equal to B3 upon A3, है ना। ये अगर ऐसा है तो क्या कहेंगे, इफ दिस इक्वेशन इज सैटिस्फाइड देन वेक्टर्स आर कोलिनियर सर, वेक्टर्स आर कोलिनियर एंड वी आर पैरेलल या रिवर्स इज ट्रू, इफ ए एंड बी आर कोलिनियर देन दिस विल हैपन, या अगर ऐसा है तो कहेंगे ए एंड बी आर कोलिनियर, इज इट क्लियर। तो कोलिनियरिटी आसान है। अब एक सवाल लेते हैं, देखते हैं तुम लोगों को कितना समझ में आया, ये नोट डाउन कर लो अपने नोटबुक पे।
तो लिख लिया, आगे बढ़े। यस सर। चलो बच्चों अब मैं लिख रहा हूँ, अगर मान लो एक वेक्टर ले लेते हैं a इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, या यहां पर लेता हूं माइनस k कैप। b इज इक्वल टू दे दिया बच्चों 4i कैप माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है। इज द टू वेक्टर्स आर कोलिनियर? नो सर। क्या कहोगे? कहोगे बी वन बाई ए वन फोर बाई टू है ना, बी टू बाई ए टू, और हो जाएगा बी थ्री। यहाँ तो बच्चों हो जाएगा माइनस टू, सही है, यहाँ भी माइनस टू सही है, बट यहाँ तो टू हो गया नॉट इक्वल, समझ में आया? टू इज इक्वल नॉट इक्वल टू माइनस टू, ये नॉट इक्वल हो गया ना। यस सर। नॉट यस सर। बच्चों तो एक कोलिनियर वेक्टर भी कर लिया, कुछ एक्स्ट्रा चीज भी पढ़ा देता हूं बच्चों। और अभी डाउट सेशंस भी लेना है ना, तो लास्ट एक चीज बता रहा हूं। एक एचसी वर्मा का जो सवाल है वो जनरली डाउट पूछते हैं, तो मैं सोच रहा हूं कि चलो मैं ही पहले बता देता हूं, एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों। ये कैसा साइज बना है, ये क्या है, ये रेगुलर हेक्सागन है ना, ये हेक्सागन है बिकॉज छह साइड है, ठीक है। अगर मैं पूछूं कि ऐसे सारे वर्टिसेस को मिला दिया कुछ मिसलेनियस टाइप के सम बता रहा हूँ, फेमस सवाल कर रहा हूँ, ऐसे अगर सारे साइड को मिला दिया बच्चों तो एक दो तीन चार पांच छह सिक्स सिमिलर टाइप का ट्रायंगल बनेगा बच्चों, आइडेंटिकल ट्रायंगल, कोगुलेंट ट्रायंगल बनेगा। यस सर। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा, ये भी थीटा, ये भी थीटा है ना, तो ये थीटा कितना होगा कोई बता सकता है क्या? 60 है ना, रेडियन में बोले तो 2 पाई और उसमें कहे तो 2 पाई बाय 6 2 पाई बाय 6 ठीक है बच्चों। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये 6 साइडेड है, मैं 6 साइडेड नहीं ले रहा हूं, मैं कोई भी ले रहा हूं n साइडेड, मैं पूरा नहीं बना रहा हूं बच्चों, ये एक n साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन है 2 पाई बाय n। क्या बात है, 2 पाई बाय n साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन, ये सब बच्चा पढ़ा रहा हूं है ना, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन ये चीज सीख लेना ये क्या होता है। तो किसी ने बताया कि बहुत बढ़िया n साइडेड बच्चों, तो ये n ऐसे ट्रायंगल्स बनेंगे और n इंटू थीटा जो हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा 2 पाई, तो थीटा हो जाएगा 2 पाई बाई n। अच्छा ये एंगल थीटा है बच्चों, मान लो ये एंगल फाई है, तो ये भी एंगल फाई होगा क्या? यस सर। यस सर। क्यों फाई? ये और ये क्या है, इक्वल है, congruent, यहाँ पे तो congruent, मतलब यहाँ तो congruent triangle हो जाता है, बट यहाँ पे सॉरी यहाँ पे equilateral triangle बन जाता है एक्चुअली में, देखो ये 60 डिग्री है तो ये भी 60-60 हो जाएगा, बट इन जनरल ये isosceles triangle होगा बच्चों, बिकॉज ये और ये इक्वल, तो ये phi, तो ये phi, इज इट क्लियर?
बच्चों ये भी फाइव हो जाएगा कि नहीं? yes, और yes, मान लो ये एंगल डेल्टा है बच्चों, ये डेल्टा है, ये डेल्टा है। तो एकदम सारे बच्चे ध्यान से देखना, अच्छे से डायग्राम बनाना। पहले इस ट्रायंगल में ले लेता हूं ओ ए बी सी ऐसे। ओ ए बी में अगर मैं कहूं थीटा प्लस टू फाइव विच इज इक्वल टू टू पाई, सॉरी टू पाई नहीं, कितना ट्रायंगल का सारे समय अच्छा बच्चों एक चीज और बताना बच्चों, ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल कितना है, ये पूरा एंगल इसी को लाइन को बढ़ा दो, तो डेल्टा प्लस 2 pi, डेल्टा प्लस 2 pi ये भी कितना है 180। तो ये दोनों इक्वेशन से हम क्या निकाल लिए, क्या कह सकते हैं, व्हाट इज डेल्टा इक्वल टू थीटा, डेल्टा इज इक्वल टू थीटा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बच्चों। तो अगर ये एन साइडेड बच्चों रेगुलर पॉलीगॉन है, एन साइडेड, तो एक साइड दूसरे साइड से कितना एंगल बना रहा है, डेल्टा, डेल्टा कितना हो जाएगा थीटा के बराबर, थीटा कितना, टू पाई बाय एन। समझ में आया क्या, ये डेल्टा टू पाई बाय एन हो जाएगा। यस सर। तो ये नोटबुक में लिख लो, नोटबुक में लिख लो। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़े हो अभी, बड़ा एक इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाने वाला हूँ। कितने बच्चे हैं, चलो 3-4 बच्चे गए, 5 बच्चे निकल गए। लिख लिया डेल्टा इज इक्वल टू 2 पाई बाय एन। यस सर। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। जो भी ऐसा होगा मैं पूरा नहीं बना रहा हूं, एंड साइडेड कोई भी है। जो पहला एक साइड को ले लिया एक्स एक्सिस है ना, और बच्चों दूसरा साइड ले लिया उसके परपेंडिकुलर ले लिया वाई एक्सिस, और साइड लेंथ है बच्चों ए, सारे का मैग्नीट्यूड ए। और ऐसे करते जाएंगे बच्चों, एन साइडेड पूरा पॉलीगॉन हो जाएगा। तो कितने टोटल साइड लेंथ हो जाएंगे बच्चों, हाउ मेनी साइड्स आर देयर, एन 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 एन। नाम देता हूं बच्चों ओ ए बी सी डी, ऐसे करके नाम रहेगा। पहला वेक्टर तो बच्चों जीरो एंगल बना रहा है, वो वेक्टर कितना एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस से, जीरो वेक्टर। तो ओ ए वेक्टर को तो सिंपली ए आई कैप लिख लेते हैं, या अगर हम रिजोल्यूशन के टर्म में लिखें तो लिखेंगे पहला वेक्टर जो है जीरो एंगल बना रहा है, तो कॉस जीरो आई कैप प्लस ए साइन जीरो जे कैप। दूसरा जो वेक्टर है बच्चों ए बी वेक्टर, कोई बता सकता है कि ये एंगल है डेल्टा विच इज 2 पाई बाय एन, इसको लिख सकते हैं ए कॉस 2 बाय एन आई कैप प्लस 2 पाई बाय एन 2 पाई बाय एन जे कैप एन आई कैप प्लस 2 पाई बाय एन। क्या ये समझ में आ गया तुम लोगों को? यस सर। यस सर। तो मुझे कोई बता सकता है कि बी सी वेक्टर को क्या लिखोगे? A 4 pi by n cos 4 pi by n A cos 2 times of 2 pi by n है ना, इतना i cap, क्योंकि ये डेल्टा एंगल x एक्सिस से बना रहा है, तो ये कितना बनाएगा 2 times of डेल्टा, ये कितना बनाएगा 3 times of डेल्टा, am I right? क्योंकि yes, yes. AB से ये बनाएगा डेल्टा, x एक्सिस से 2 डेल्टा, x एक्सिस से 3 डेल्टा प्लस, बच्चों एकदम ध्यान से सुनना क्योंकि ये अच्छी वर्मा में सवाल है, A-sign-pi-by-n.
बच्चों ऐसे करते 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 ध्यान से सुनना, ये पहला वेक्टर हो गया, ये दूसरा वेक्टर हो गया, तीसरा वेक्टर डॉट 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 डॉट, कौन सा लास्ट लिखेंगे? nth वेक्टर है ना। अब उसका सबका नाम तो नहीं पता, nth लिख देता हूँ, तो क्या लिखूंगा nth में? a cos 2π/n, और यहाँ क्या मल्टीप्लाई करूं बच्चों? पहला में n या n माइनस वन, कंफर्म करो मुझे। सेकेंड वेक्टर में वन है, थर्ड वेक्टर में टू है, तो कितना मल्टीप्लाई करूं? n माइनस वन, कंफर्म? यस सर। पैटर्न दिखा बच्चों तुम लोगों को, पहला वेक्टर में जीरो, दूसरा में वन मल्टीप्लाई किया, तीसरा में टू, तो nth में कितना करेंगे? एक एक कम कर रहे हैं तो n माइनस वन। अच्छा बच्चों ये a वेक्टर, b वेक्टर, c वेक्टर, ऐसे करते 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 लास्ट वाला वेक्टर जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा इन सब का समेशन? जीरो हो जाएगा, प्लस प्लस वन, ये क्या हो जाएगा? जीरो वेक्टर हो जाएगा। और इधर क्या हो जाएगा बच्चों? a cos 0 प्लस cos प्लस cos प्लस डॉट 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 प्लस लास्ट में cos n माइनस वन टाइम्स ऑफ 2π/n, इतना आई कैप प्लस a, फिर से कॉमन है, ऐसा ही साइन में बच्चों, साइन जीरो प्लस साइन 2π/n प्लस साइन टू टाइम्स ऑफ 2π/n, ये सब मैथ का सवाल करा रहे हैं, प्लस प्लस सो ऑन, लास्ट टर्म क्या हो जाएगा? प्लस साइन n माइनस वन टाइम्स ऑफ 2π/n, इतना j कैप बच्चों, ये है जीरो, इधर भी जीरो, तो क्या हो जाएगा? आई का कोफिशियंट जीरो। व्हाट कंक्लूजन यू कैन ड्रॉ? यू विल ड्रॉ द कंक्लूजन दैट कॉस जीरो प्लस कॉस 2π/n प्लस कॉस टू टाइम्स ऑफ प्लस सो ऑन, दिस इज इक्वल टू क्या? जीरो। साइन जीरो प्लस साइन 2π/n प्लस 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 लास्ट में साइन, ये ध्यान देना है, लास्ट में क्या हो जाएगा? साइन n माइनस वन टाइम्स ऑफ 2π/n। समझ में आ रहा है ये पैटर्न? यस सर। ये जनरली बच्चों एक्सीवर्मा का सवाल है, ये एग्जैक्टली है मैथमेटिक्स का सवाल, वेक्टर से हमने सॉल्व कर लिया। तो ये बच्चों लिख लो, ये हेल्पफुल होगा, दूसरी बार देखोगे तीसरी बार देखोगे तो ये समझ में आएगा। सो दिस इज इम्पोर्टेंट सम फॉर द सॉल्व करते हैं। चलो बच्चों तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बच्चे तो बड़ा तेजी से घट रहे हैं। चलो बच्चों और क्या बचा रह गया बच्चों? हम लोग डॉट प्रोडक्ट पर सीख लिए, नहीं दो वेक्टर का समेशन सब्ट्रैक्शन और वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर क्वांटिटी सबसे पहले पढ़ा, फिर डॉट प्रोडक्ट पढ़ा, क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा, अब क्या पढ़ना है? कुछ बचा है बच्चों? डिवीजन ऑफ वेक्टर। चलो इसको भी आज कंप्लीट कर लेते हैं। इसको भी कंप्लीट कर लो बच्चों, डिवीजन ऑफ वेक्टर्स। लिख लो वेक्टर नॉट येट डिफाइंड, हो गया कंप्लीट, खत्म। दो वेक्टर्स का डिवीजन, डिवीजन डिफाइंड नहीं है। कोई कहेगा कि बताओ वेक्टर ए बाय वेक्टर बी क्या है, तो कहोगे यार ये मीनिंगलेस बात मत करो, नॉट डिफाइंड, ये क्या है? मीनिंगलेस है, इट इज नॉट डिफाइंड। चलो देखो एक भी चैप्टर भी कंप्लीट कर दिया बच्चों, मजा आया इसमें?
कितना बड़ा था? यस सर यस सर यस सर नहीं डिवीजन ऑफ वेक्टर ऐसे ही सारे चैप्टर हो जाए तो क्या मजा ही आ जाए यार। यस सर। अच्छा बच्चों कुछ चीजें लिखते हैं, बताना कि ये मीनिंगफुल है या मीनिंगलेस है ना, समझ में ना? कुछ हम एक्सप्रेशन yes, लिखेंगे और कहना कि ये मीनिंगफुल है या मीनिंगलेस है। तो मैं कहूंगा बच्चों ए प्लस बी, कहोगे कि यस ये मीनिंगफुल है, मीनिंगफुल है तो बच्चों टिक करना है, और मीनिंगलेस रहेगा तो क्या करना है? क्रॉस क्रॉस करना है ना। तो बच्चों हम एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, बताना वेक्टर ए प्लस टू, क्या करूं बच्चों? क्रॉस टू ए टिक है ना, ठीक है बच्चों। A dot B plus C meaningful correct सोच के any bracket नहीं है जो आता है meaningless bracket नहीं meaningless meaningless why meaningless sir bracket missing उसका उसका डॉट प्रोडक्ट स्केलर क्वांटिटी क्या स्केलर? देखो अभी तुमने मीनिंगलेस बताया है तो ये भी क्या हो जाएगा? मीनिंगलेस एकदम सही बच्चों, एकदम सही। फिर और आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े और ए क्रॉस सी प्लस मीनिंगफुल है सर, एकदम सही। ए डॉट बी क्रॉस सी मीनिंगफुल मीनिंगफुल है सर, मीनिंगफुल सोच के Not meaningful. Because A dot B is a scalar quantity. एक scalar का एक vector से dot product हो सकता है क्या? No. No sir. No sir. Is it meaningful or meaningless? Meaningful. Yes, meaningful because ये scalar quantity है और उसको एक c vector में multiply कर सकते हैं, ऐसा वाला two a vector जैसे लिखा है sir। sir मतलब cross product हम सिर्फ एक vector और vector का ही ले सकते हैं क्या? इतना दिन बाद पता चला कि चल गया ना हिमांशु, yes, cross product दो vectors के बीच में ही ले सकते हैं। जितने बच्चे अभी connected हैं कितने हैं? 39 नौ बच्चे तो निकल गए। तो बच्चों क्रॉस प्रोडक्ट किसके बीच में डिफाइंड है? दो वेक्टर के बीच में डिफाइंड है, दो वेक्टर के स्केलर एक नहीं, डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर के बीच में। सर डॉट प्रोडक्ट? जी हाँ डॉट प्रोडक्ट सर, क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर और अरे ए डॉट बी, ये डॉट प्रोडक्ट लिया, ये वेक्टर है ना, क्या कभी टू डॉट ए लिखा क्या? और लिखा तो डांट पड़ेगी, ये गलत है ये सही है ना। चलो बच्चों है ना, ए क्रॉस बी और डॉट सी, इज इट मीनिंगफुल? यस सर यस मीनिंगफुल यस सर मीनिंगफुल A cross B dot cross C, is it meaningful? Yes, sir. Yes, meaningful. Yes, sir. Yes, sir. है ना?
a dot b plus 2. Is it meaningful? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes. A dot b plus a cross b. Is it meaningful? No, no sir. Sir. No, sir. No, sir. ठीक है ना? B cross A divided by A dot B. Is it meaningful? No. 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 In English. Sir, division define in English. अरे division कहाँ है? वो minus हो जाएगा नीचे. Vector है. ये एक vector और divide क्या? What is this quantity is what? उसका minus. Scalar quantity. Scalar quantity. एक vector को divide कर ही सकते हैं. लेकिन a cross b divided by a is it meaningful? English. No sir. English. बच्चों आज तक समझ में आ गया कि तुम्हें क्या करना है तो ये चीजें भी है. तो आज का सेशन हम लोग क्या करते हैं बच्चों, फिनिश करते हैं.